हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल टॉपिक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके पास अपना एनरोलमेंट नंबर है या फिर जब आपने आधार कार्ड बनवाया था तो आपको आधार कार्ड एजेंट ने एक स्लिप दी होगी जिसमें आपकी एनरोलमेंट आईडी होती है। यदि आपके पास वो स्लिप है तो आज मैं आपको बताऊंगा आप उससे अपना आधार कार्ड नंबर कैसे निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है या फिर आप कह लो कि आपके पास आधार कार्ड की स्लिप नहीं है और उसमें मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है आपके आधार कार्ड में और आपको आधार नंबर भी याद नहीं है, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप अपना आधार कार्ड कैसे निकालेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जहाँ से चाहें वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जहाँ पे वीडियो का लॉन्ग प्रोसेस होगा मैं वहाँ पे खुद ही वीडियो को स्किप कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर है, आपको सिंपली अपने मोबाइल के डायलर पैड में आ जाना है और यहाँ पे आपको एक नंबर टाइप करना है 1947। फ्रेंड्स जब आप ये नंबर टाइप कर देंगे तो आपको सिंपली कॉल मिला ले ली है और आपको जैसे जैसे कस्टमर केयर स्टेप बताती है आपको फॉलो करके आपको अपना आधार कार्ड नंबर पता कर लेना है। फ्रेंड्स इसके लिए मैं पहले एक रिकॉर्डिंग बना चुका हूँ, फ्रेंड्स अब मैं आपको वही रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ आप किस तरह से अपना आधार कार्ड नंबर पता करेंगे। फ्रेंड्स जब मेरा आधार कार्ड नंबर कस्टमर केयर ने बोला था तो मैंने इसी बात को 2 बार रिपीट किया है, आप सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं रिकॉर्डिंग को शुरू कर देता हूँ। आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू आधार संपर्क केंद्र। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस। नामांकन या अपडेट की स्थिति जानने के लिए 1 दबाएं। नामांकन या अपडेट प्रक्रिया जानने के लिए 2 दबाएं। अपनी पंजीकृत अपने आधार नामांकन या अपडेट की स्थिति जानने के लिए 1 दबाएं। ऑनलाइन अपडेट से संबंधित प्रश्न के लिए 2 दबाएं। यदि आपसे आपकी नामांकन कृपया अपना 14 अंकीय नामांकन नंबर या अपडेट अनुरोध नंबर दर्ज करें। फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी एनरोलमेंट आईडी को दर्ज कर देंगे जैसे कि मैं कर देता हूँ। आपके द्वारा दिया गया इनपुट है 0654। पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। फिर से प्रविष्ट करने। बधाई हो, आपका अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है। आप अपना ई आधार वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस सूचना को फिर से सुनने के लिए 8 दबाएं। अपना आधार नंबर जानने के लिए 1 दबाएं। पिछले मेन्यू में जान कृपया अपने क्षेत्र का पिन कोड दर्ज करें जो आपने नामांकन के समय दिया था। आपके द्वारा दिया गया इनपुट है 2012। पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। फिर से प्रविष्ट करें। आपका आधार है 4471। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 0 दबाएं। इस सूचना को फिर से सुनने के लिए 8 दबाएं। हमारे अगले उपलब्ध आपका आधार है 4471। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 0 दबाएं। इस सूचना को फिर से सुनने के लिए 8 दबाएं। हमारे अगले उपलब्ध सहयोगी से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो फ्रेंड्स जैसे कि अब हमें अपना आधार कार्ड नंबर पता लग चुका है, अब आपको अपने आधार कार्ड को पीवीसी में ऑर्डर कर देना है। जब आप पीवीसी में अपने आधार कार्ड को ऑर्डर करते हैं तो उसमें कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड की आवश्यकता नहीं होती, उसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जहाँ से चाहे वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, यदि आपके पास इनरोलमेंट आईडी नहीं है या कह लो आधार कार्ड बनाते वक्त जो आधार कार्ड एजेंट ने आपको एक स्लिप दी थी वो आपकी खो गई है और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है और आपको आधार कार्ड नंबर भी याद नहीं है, तो मैं उसके ऊपर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर कैसे प्राप्त होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन मिल जाएगा, आप जहाँ से चाहें वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आपको स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी दिख रही होगी जिसका नाम है help.digitaltopic@gmail.com। आप हमें इस आईडी पर मेल कर सकते हैं, हम आपके मेल का पूरा जवाब देंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।